दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन सीटीईटी 2018 के बारे में, कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है और इसकी परीक्षा कब होने जा रही है और अभी तक विज्ञप्ति आने में देर क्यों हुई। मैं आपको बता दूं कि 2016 के बाद से 2018 होने को आया, लगभग 2 साल हो गए और इन 2 सालों में सीटीईटी का आयोजन नहीं हो सका था। क्यों नहीं हो सका था, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर क्लियर कर दूं कि DSSSB, जिसकी मैं शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन पिछले माह दिसंबर में लिए जा रहे थे, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें सीटीईटी का प्रमाण पत्र न होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। तो दिल्ली केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि दिल्ली CAT ने एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो अभ्यर्थी DSSSB में शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई थी कि ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी जब भी सीटीईटी की परीक्षा होगी तो उन्हें सीटीईटी क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ये कहा गया है कि कोई भी अध्यापक जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को शिक्षा देगा, भारत के जो भी बेसिक स्कूल है उसमें, तो उनको TEET क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स, जो सूचना आ रही नोटिफिकेशन के बारे में, इसके बारे में आपको बात करता हूँ। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं NDTV इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर न्यूज आ रही है कि CBSE टू रिलीज CTET नोटिफिकेशन इन मार्च, यानी मार्च के महीने में CTET का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। पूरी न्यूज़ देखते हैं और इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़ जो है इंग्लिश में, मैं हिंदी में भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो बने रहिए। देखिए, कहा गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE इज लाइकली टू रिलीज द मच अवेटेड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET नोटिफिकेशन बाय द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के महीने में CTET का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। CTET 2018 विल बी हेल्ड ऑन मई या जून, और ये परीक्षा जो होगी वो मई या जून में होगी इस साल, और ये 2 साल के बाद होगा, दिस ईयर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्ट्रक्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द CTET टू CBSE दिल्ली, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने CTET की परीक्षा की जिम्मेदारी जो है वो CBSE को दी है। RTE एक्ट में ये कहा गया है कि जो भी अध्यापक होगा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका TET पास होना अनिवार्य है, ठीक है। तो और एक ऑफिशियल अधिकारी के अनुसार, एक अखबार को जो बताई गई सूचना थी वो ये थी कि नोटिफिकेशन में डिले क्यों हुआ। तो डिले इन नोटिफिकेशन इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ चेंजेस बीइंग अप्लाइड इन CTET सिलेबस, क्योंकि CTET के सिलेबस में कुछ चेंजेस हो रहे थे, इसीलिए नोटिफिकेशन को जारी करने में हमें देरी हो गई है, और अब ये काम लगभग पूरा हो चुका है और शीघ्र ही इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक न्यूज और भी आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि व्हेन ऑल द मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंडक्टेड वंस इन ए ईयर, जब सभी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में सिर्फ एक बार होता है, तो वाई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आर नेट शुड बी कंडक्टेड ट्वाइस। तो CTET और नेट परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार क्यों, दे आर मैसिव स्केल एक्सरसाइज विच रिक्वायर्स मैसिव रिसोर्सेज एंड इन ए वे रिड्यूस सीरियसनेस ऑफ कैंडिडेट। एक तो इन परीक्षाओं के आयोजन में हमें बहुत बड़ी संख्या में रिसोर्सेज और धन का इस्तेमाल करना होता है, और ऊपर से ये अभ्यर्थियों के सीरियसनेस को कम करता है, क्योंकि अभ्यर्थी ये मान चलते हैं कि इस बार नहीं अगली बार दे लेंगे। सिंस द फियर ऑफ वेस्टिंग ए ईयर इज नॉट देयर, ए सीनियर ऑफिशियल टोल्ड PTI देन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगली जो न्यूज है वो है फेक नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ फेक वेबसाइट्स हैं जिन्होंने CTET 2017 के नोटिफिकेशन को भी आउट कर दिया था। तो इसके बारे में CBSE ने बाद में क्लियर किया कि इट हैज़ नॉट इश्यूड बाई एनी सच नोटिफिकेशन एंड इट सेड द नोटिफिकेशन फ्लोटेड ऑन अनऑथोराइज वेबसाइट इज फेक एंड नॉट कंसर्न विद द CBSE। इनका संबंध CBSE से कुछ नहीं है और ये सारी वेबसाइट पे जो फेक वेबसाइट्स हैं, फेक नोटिफिकेशन जारी कर रही, इनका हमसे कोई संबंध नहीं, हालांकि इनको नोटिस भी बाद में भेजी गई थी। तो ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स फॉर CTET 2017 में प्लीज नोट फॉर इंफॉर्मेशन एंड बी अलर्ट ऑन सच फेक नोटिफिकेशंस। तो जो भी एस्पायरेंट हैं उनको ऐसे गलत जो नोटिफिकेशन आते हैं उनसे सावधान रहना होगा। मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका एड्रेस URL आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर अभी तक कोई भी सूचना अपडेट तो नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में ये वेबसाइट आबाद होने वाली है 2 साल के बाद, ठीक है। और यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आता है वो अपडेट हो जाता है,
तो आपको सबसे सबसे ट्रस्टेड जो है न्यूज़ यहीं से मिलती है फ्रेंड्स। इसी के बारे में जो लिखता है अखबार हिंदुस्तान, वो क्या लिखता है, चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान लिखता है कि सीबीएसई सीटीईटी 2018 मई में होगी सीबीएसई की सीटेट परीक्षा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या न्यूज है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक अर्हता परीक्षा सीटेट परीक्षा का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों को अभी 4 महीने और इंतजार करना होगा। सीबीएसई इस साल मई महीने में इस परीक्षा का आयोजन करेगा। मालूम हो कि सीटीईटी की पिछली परीक्षा 2 साल पहले हुई थी, ऐसे में स्कूलों में नियुक्तियां आने के बावजूद कई परीक्षार्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। तो सीटेट में हो रही देरी के सवाल पर सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान को बताया कि सीटेट के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई को सौंपी गई है। जो भी चेंजेज हो रहा है सिलेबस में वो एनसीटीई कर रहा है। पाठ्यक्रम में बदलाव का काम इस महीने में पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक अर्थ इसका ये भी निकलता है कि अगर सीटीईटी यानी कि अगर इसके सिलेबस में चेंजेज हुआ तो स्टेट टीईटी के सिलेबस में भी चेंजेज अवश्य आपको देखने को निकट भविष्य में मिल सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट टीईटी होती है वो सीटीईटी को ही फॉलो करती है। पाठ्यक्रम में बदलाव का काम इस महीने में पूरा हो जाने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। परीक्षा मई के अंत में या जून महीने की शुरुआत में होगी। तो आपको यह मान के चलना है कि 15 मई के बाद परीक्षा कभी भी हो सकती है, और अगर आपका पिछला टीटी का अनुभव अच्छा नहीं रहा तो 15 मई की तिथि को आप परीक्षा तिथि मान सकते हैं। देखिए, मानने की मैं बात कर रहा हूं ताकि आप एक समय का विभाजन कर सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा यानी टीईटी का प्रावधान किया गया था। देश के अधिकतर राज्य अपने यहाँ राज्य स्तरीय शिक्षक अर्हता परीक्षा यानी कि स्टेट टीईटी का आयोजन करते हैं, वहीं केंद्र सरकार की ओर से सीबीएसई जो है सीटेट का आयोजन करता है। सीटेट में 2 साल की देरी से सबसे अधिक नुकसान दिल्ली के प्रतिभागियों को हुआ, जिनके लिए सीटेट पास करना ही एकमात्र विकल्प है। बीते दिसंबर माह में दिल्ली सरकार में आई शिक्षक भर्ती मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी कैट की प्रमुख बेंच ने हाल ही में इस आधार पर कुछ परीक्षार्थियों को बिना सीटेट के भी चयन प्रक्रिया में अंतरिम रूप से शामिल होने की अनुमति दे दी, क्योंकि इस वर्ष 2017 में सीटेट का आयोजन ही नहीं हुआ। हालांकि इन लाभार्थियों को मई में होने वाली सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि जो अभ्यर्थी DSSB में बिना CTET क्वालिफाई किए आवेदन कर रहे हैं तो उनको भी आगामी जो परीक्षा होगी CTET की उसको क्वालिफाई करना उनके लिए जरूरी होगा। अगर वो उसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो DSSB की परीक्षा पास करने के बाद भी वो अध्यापक नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर दो बातें मैं आपको और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि यूपी में भी LT ग्रेड का विज्ञापन शीघ्र ही जारी होने जा रहा है, लेकिन इस बार LT ग्रेड परीक्षा में CTET या फिर TET की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये अंतिम मौका है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अभ्यर्थियों के लिए कि वो बिना TET पास किए अध्यापक बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड। ठीक है, तो ये जो LT ग्रेड टीचर जिसको लाइसेंसिएट टीचर कहा जाता है, इसके लिए पिछली बार 2017 में दिसंबर महीने में आवेदन लिए जा रहे थे। 25 जनवरी लास्ट डेट थी, लेकिन अंतिम समय में क्या हो गया था कि बहुत बड़ी संख्या में, देखिए दो कारण थे। पहली बात तो ये थी वेबसाइट हैंग कर गई थी, वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, जिसको बाद में एक्सटेंड करने से अथॉरिटी ने मना कर दिया था। दूसरी बात ये थी कि उस समय बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी थे, क्योंकि उस समय जो भर्ती होनी थी LT ग्रेड में उसमें जो है मेरिट से होनी थी, तो जिन अभ्यर्थियों की मेरिट अच्छी नहीं थी उन लोगों ने भी आवेदन नहीं किया। लेकिन इस बार लिखित परीक्षा होने जा रही है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका एकेडमिक अच्छा नहीं है और जिनके अंदर अपने आप पर भरोसा है जो तैयारी कर सकते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं LT ग्रेड में। तो LT ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो इस बार UPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा, और इसकी परीक्षा भी मई जून में होगी। तो संभवतः
सीटेट परीक्षा के आसपास ही होने की इसकी उम्मीद भी है। तो यूपी में टीईटी जो हुई थी अक्टूबर महीने में, उसमें अभी भी विवाद चल रहा है। तो यूपी के ऐसे कैंडिडेट जो यूपी टीईटी को या तो क्वालिफाई नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, या फिर अगर उन्होंने ओएमआर सीट को भरने में कोई गलती की थी तो वहाँ पर भी उनको नहीं कंसीडर किया गया। उनसे ये कहा गया कि हम ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। कोर्ट ने भी ये कह दिया कि अगर जो है जो बोर्ड है अगर वो कहता है कि जो भी त्रुटि हुई है अभ्यर्थियों के द्वारा उनके ओएमआर सीट को भरने में, तो इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थियों को ही दे दी गई है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थियों का भगवान ही मालिक है जिन्होंने पूरी तैयारी की 3 महीने की और तैयारी करने के बाद परीक्षा दी, लेकिन उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और बेसिक एंट्रीज जो कि होती है ओएमआर सीट पर, उसको उन्होंने गलत कर दी और जिसके कारण वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। और इसमें एक न्यूज़ ये भी थी कि 104 ऐसे अभ्यर्थी जो गलत, मतलब जिन्होंने 16 प्रश्नों को चैलेंज किया था जब आंसर शीट जारी हुई थी, तो 16 प्रश्न ऐसे भी थे यूपी टीईटी में जो प्रश्न मतलब अगर और भी जगह पर देखे गए तो सही माने गए, लेकिन उनके उत्तरों का संशोधन करने से परीक्षा चयन नियामक प्राधिकरण ने मना कर दिया था। तो ऐसे अभ्यर्थियों को एक अंतरिम राहत दी गई है कि वो चाहें तो आगामी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, उसमें वो आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर छोटी से छोटी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो इसमें आपने एक आइडिया आपको लग गया होगा कि सीबीएसई सीटेट का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो मार्च में आ रहा है और परीक्षा होगी 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में। अब बाकी की जो बातें होंगी, छोटी से छोटी अपडेट भी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो कृपया आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये न्यूज़ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अभ्यर्थी सीटीईटी की परीक्षा के न होने से, उसकी कोई सूचना न मिलने से निराश हैं, उनको एक उम्मीद की किरण मिल जाए, ताकि वो समय का विभाजन कर सकें और नए उत्साह से परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। वीडियो के बारे में आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है, तो आपके अपने फीडबैक से हमें परिचित कराइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।